हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक हेल्प फॉर जॉब्स। सो आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं आज इंडियन आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। सो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर। प्रैक्टिस सेट को मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किया है 15, क्योंकि जो इंडियन आर्मी जीडी का पेपर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबल प्राइज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट, अना मुंडी। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थ डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड विच ऑफ फॉलोइंग ओशियंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पैसिफिक ओशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो आप देख सकते हो जो कि ब्लू टिक में है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने 15 क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो जिनके करेक्ट आंसर होंगे उनके जो कि ऑप्शन में है जो ब्लू टिक होगी, जैसे इस सी पार्ट में है। ओके, देख सकते हो ये सर्कल आप सी पार्ट में, ये वाला जो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माय फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। ओके, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग पावर ऑफ पीसा इज इन। आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इन इटली। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मैकमोहन लाइन। ये जो SSC GD और जो आर्मी टेक्निकल का पेपर हुआ था 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू SSC GD एग्जाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नाइन्थ, वेर इज वंगड़ा इट पॉपुलर डांस। वंगड़ा युवक कहाँ का पॉपुलर लोकप्रिय नृत्य है, वो है पंजाब का, हर बच्चे को ये पता है। ओके, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। हमारा आंसर हो जाएगा नील, फर्स्ट ए पार्ट, नील नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, मैत्री एक्सप्रेस रेल सर्विस इज रिलेटेड विद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच फील्ड गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड इज रिलेटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट, पत्रकारिता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जर्नलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री इज नोन एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, आई थिंक सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच रिवर इज पास्ड थ्रू पेरिस सिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज टू कैपिटल। हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, विच गैस इज नोवल गैस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमल्स रेस्पिरेटरी बाय। इसका सही आंसर हो जाएगा लंग्स, डी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर्स। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आईज। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना, डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बक्साइट इज द ओर ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अल्मेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांट फोटो
सिंथेसिस मेनली ऑकर इन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट विटामिन के, जो आप देख सकते हो सी पार्ट विटामिन के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कोल गैस इज, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका आंसर है बी पार्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोकेमिकल कंपाउंड आर यूज्ड एज, इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट सॉल्यूशन। ओके ये बिल्कुल ही 10th का सिलेबस है, जो आर्मी जीडी का एग्जाम होता है वो 10th के बेस के ऊपर आता है। सो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हो, साथ साथ में आप अपने 10th की जो बुक है साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उसे ध्यान से पढ़ लें एक बार, क्योंकि उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आर्मी जीडी के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13, द कंडक्टिविटी 0 degree Kelvin ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज एट हीट, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 0। ओके माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डिबग्ड बाय, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट बाय एडवर्ड टाइलर। ओके माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज, इसका आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेरीकल्चर इज कॉल्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर, इसका सी पार्ट। ओके माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसका सही आंसर है विटामिन सी बी पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, द केमिकल यूज टू प्रिजर्व फूड इज, इसका सही आंसर है सी पार्ट सोडियम बेनोजोइट। ओके सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मैथ की सेक्शन अभी स्टार्ट हो गई है, तो अभी ये मैथ तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते, अगर आपने मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप अपनी कॉपी या पेन लेकर आप इस मैथ के प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो, तो आप इसको देख लो एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसका आंसर बन रहा है सी पार्ट, तो आप अपने कॉपी पे निकाल कर इसको देख सकते हो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ओके आप इसे देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, इसे भी देख सकते हो आप, इसका आंसर बन रहा है सी पार्ट। ओके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में निकालना और निकाल लेना, आंसर इसका करेक्ट सी पार्ट। और भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट -42। आपने एक बात देखी होगी कि जो आपका आर्मी जीडी का एग्ज़ाम होता है उसमें जीके की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहते हैं मैथ के कंपैरिजन में और रीजनिंग के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने उनको एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ आपको। आपने आई थिंक आपने उसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, इसलिए रिवाइज की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 42, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, 43, इसका सही पार्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इसका करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 46 क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर सी पार्ट।
47 क्वेश्चंस देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। ओके 48 नंबर पे देख सकते हो आप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का बी पार्ट। और 49 पे देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। और 15 क्वेश्चन देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो आपको मैंने आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट करवा लिया है, अगर ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको इसके रिलेटेड और भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। और साथ में इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको करूँगा, जो मैंने मैथ की सेक्शन करवाई है वो उसमें सॉल्व करवा दूँगा आपको, कि इसके जो जो आंसर है ये कैसे आए। जैसे 15 क्वेश्चन देख सकते हो, इसका जो क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ 743 मल्टीप्लाई 999 विच बी द फॉलोइंग, इसका आंसर बनना है सी पार्ट। तो उसमें मैं ये सॉल्व कर दूंगा कि ये आंसर जो कैसे आए हैं। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। सो धन्यवाद एंड टेक केयर।